वज़ीर-ए-आज़म भारत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दरमियान बराह-ए-रास्त बात तो नहीं हुई है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से खत लिखा गया है। पाकिस्तान के नेशनल डे के मौके पर पाकिस्तानी अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं, ये खत में साफ किया, मुबारकबाद पेश की और कोरोना वबा से लड़ने के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। योम पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म ने जहां पर इमरान खान के नाम खत रवाना किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की अवाम को मुबारकबाद दी और साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तानी अवाम के साथ मौजूदा वक्त में भी खुशगवार ताल्लुकात दीगर हमसाया ममालिक की तरह पाकिस्तान के साथ भी चाहते हैं। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म ने खत में कोरोना वबा से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म और साथ ही पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म से पहले भी आपको याद होगा कि सदर रामनाथ कोविंद की तरफ से भी पाकिस्तानी अमनसब के लिए योम पाकिस्तान पर पैगाम भेजे गए थे, उन्हें मुबारकबाद पेश की गई थी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का ये खत भी सामने आया है, जो काफी वक्त के बाद आपको याद होगा कि साल 2019 में भी वज़ीर-ए-आज़म ने खत पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के नाम जरूर किया था, लेकिन 2020 में कड़वाहट काफी ज्यादा थी, दूरियां काफी ज्यादा थी, तलखियां काफी ज्यादा थी, कशीदगी के बीच लीडरान तो दूर, बाकी कोई भी शख्स एक दूसरे को देखना पसंद नहीं शायद करता था, लेकिन 2021 आते आते मार्च के महीने में योम पाकिस्तान पर एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तकरीबन ये दो वर्षों के बाद एक और खत रवाना किया गया, जिसने एक मुस्बत पैगाम न सिर्फ खित्ते के अंदर बल्कि दुनिया भर के उन ममालिक को दिया है जो इस वक्त इन मुज़ाकरात को जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक तरफ हो रहे हैं और दूसरी तरफ इन नजदीकियों को पीस का एक मरकज भी करार दे रहे हैं। यानी बड़ी बात यह कि आहिस्ता आहिस्ता करके गर्माहट दोनों मुल्कों के रिश्तों में आना शुरू हो गया है। और आपको याद होगा कि इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था, जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया कोरोना पॉजिटिव पाई गई, उसके फौरन बाद चंद घंटों के अंदर अंदर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि बहुत जल्द वो रुबत सेहत होंगे। और उससे पहले DGMO लेवल की बातचीत, NSA लेवल की बातचीत और अब सबकी नज़रें इस्तंबुल पर लगी हुई है, जहां पर वज़राए खारजा हॉट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और ये खबर काफ़ी तय मानी जा रही है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां शेख महमूद कुरैशी पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे, वहीं पर डॉक्टर जयशंकर भी जाएंगे। फिलहाल इसमें अगरचे वजारत खारजा की तरफ से कोई तफसील नहीं दी गई है, लेकिन बावसूख जराए से मालूम हुआ है कि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़रूर डॉक्टर जयशंकर जाएंगे, अपना मौकफ रखेंगे, लेकिन क्या साइड लाइन पर बात होगी इस पर सबका इंतज़ार होगा, क्योंकि लगातार मीडिया हलकों से जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो पहिया है दोनों मुल्कों के दरमियान जो जाम हो गया था, पंचर हो गया था, उसको पंचर निकाला गया है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो पटरी पर चलना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में और तेजी के साथ ही आगे बढ़ सकता है। ये उम्मीद न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की है जो सरहदों के पास रह रहे हैं, बल्कि पूरे अमन पसंद लोग जो पूरी दुनिया के अंदर है वो जरूर ये चाहते हैं कि ये दो बड़े मुल्क भारत और पाकिस्तान, इस खित्ते के अंदर जो दो बड़े एटॉमिक पावर्स हैं, ये दोनों के दोनों एक साथ रहे और पुरअमन तौर पर रहे। इसके लिए दरपर्दा कोशिशें भी काफी ज्यादा तेज हो रही है और उन्हीं का नतीजा ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके बर्फ पिघलना शुरू हो गई है। पुलवामा हमले के बाद इस तरीके के जो इंसिडेंट पिछले दो ढाई महीनों के दौरान हो रहे हैं, उससे यह साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गर्माहट और भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल सबकी नजरें इस खत के बाद अब इस्तंबुल कॉन्फ्रेंस पर रहेंगी कि वहां पर क्या कुछ होगा और उसके साथ साथ जो तिजारती हलकों के अंदर खबर है वो ये है कि हल्के पैमाने पर ही सही, लेकिन थोड़ी सी तिजारत जरूर दो महीनों के अंदर अंदर शुरू हो सकती है। तो ये तो बात थी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से जो हम आपको बता रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म का खत जो 70वें यौम पाकिस्तान के मौके पर तहरीर कर दिया किया गया था और उसके बाद सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म की काफ़ी तारीफ की जा रही है, उनके विजन को काफ़ी बड़े पैमाने पर सराहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो एक एक करके अब आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।